हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविस जी एकेडमी इन दिस वीडियो विल सी टू न्यू रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया जो कि सोलह अक्टूबर 2020 को इंक्लूड की गई हैं टिल फरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी ओनली थर्टी सेवन साइट फ्रॉम इंडिया वेयर इन रैमसर साइट लिस्ट विच हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड टू थर्टी अभी तक सिर्फ 37 रामसर वेटलैंड साइट्स थी और अब ये जाके हो गई हैं 39 एक्सटेंडेड टू थर्टी नाइन ठीक है ये किस डेट की बात है सोलह अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फर्स्ट है इसमें आसन कंजर्वेशन रिजर्व इन उत्तराखंड सीधी इट इज़ फर्स्ट रैमसर वेटलैंड साइट इन उत्तराखंड ये उत्तराखंड की पहली रैमसर वेटलैंड साइट है तो ये उत्तराखंड की एग्जामेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड की फर्स्ट रैमसर वेटलैंड साइट है एंड वेयर इज इट इज लोकेटेड इट इज़ अ फोर हंड्रेड फोर्टी फोर हैक्टेयर स्ट्रेच ऑफ द आसन रिवर रनिंग डाउन टू इट्स कॉन्फ्लुएंस विथ यमुना रिवर इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट ये 444 हेक्टेयर स्ट्रेच है किसका आसन रिवर का जो कि बाद में जाके यमुना रिवर में मिल जाती है और ये कहाँ पे है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में दिस हैवीटाट सपोर्ट 330 हंड्रेड ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर एंड वाइट रउ वल्चर ठीक है एंड दिस इज अ मैन मेड मैनमेड वेटलैंड कैसे है ये आसन रिवर के अलॉन्ग आसन बराग बनाया गया है और उसी बैराज की वजह से वहाँ पर वेटलैंड साइड क्रिएट हुई जहां पर कि बर्ड्स आती हैं ओके सो दिस इज अ मैनमेड वेटलैंड पॉसिबली अट्रैक्ट द बिगेस्ट नंबर ऑफ ब्राहनी डक और रूडी शेलडॉक इन द एंटायर इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया ये सबसे ज्यादा ब्राह्मणी डक या रूडी शेलडक जो कि सेंट्रल एशिया से आती हैं उनको अट्रैक्ट करती है तो ये होगी आपकी उत्तराखंड की फर्स्ट रैमसर वेटलैंड साइट नेक्स्ट है आपकी कबरताल वेटलैंड कबरताल वेटलैंड ये कहाँ पे है ये बिहार में है फर्स्ट रैमसर वेटलैंड साइट इन बिहार इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट तो ये भी बिहार की फर्स्ट रैमसर वेटलैंड साइट है कौन सी कबरताल वेटलैंड, ओके okay? दिस इज कबरताल वेटलैंड, इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंवर झील इसको कंवर झील भी कहा जाता है और यह है क्या कवर्स 200 2620 हेक्टर्स हेक्टेयर्स ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन इन नॉर्थन बिहार स्टेट ये इंडो गंगेटिक प्लेन में 2620 हेक्टर हेक्टेयर का एरिया है ठीक है और ये जनरली होता है फ्लडिंग की वजह से इट फ्लड्स ड्यूरिंग मानसून सीज़न टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 पॉइंट फाइव मीटर मानसून सीजन में ये फ्लडेड हो जाता है लगभग डेढ़ मीटर तक और फिर इसमें ड्राई सीजन में क्या होता है ड्यूरिंग ड्राई सीजन एरिया ऑफ मार्सलैंड ड्राई आउट एंड आर यूज फॉर एग्रीकल्चर बाढ़ खत्म होने के जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर इस एरिया को एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ किया जाता है और इसका सिग्निफिकेंट बाइवर्सिटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा तो ये बायो डायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट विथ वन प्लांट स्पीशीज एंड थ्री एनिमल स्पीसीज रिकॉर्डेड इंक्लूडिंग 221 बर्ड स्पीशीज विथ 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यूजिंग इट टू रेस्ट एंड रिफ्यूल तो ये हमारी दो न्यू वेटलैंड साइट्स हो गई एक आपकी उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरी हो गई कबरताल वेटलैंड ओके okay? इन बिहार डिस्ट्रिक्ट सो दिस फिनिश योर वीडियो एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू जय हिंद